गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल आई हैव टॉट यू एल्कोहल ईथर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड. नाउ टुडे आई शैल टीच यू आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. नाउ आवर टॉपिक इज एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड and keto. Okay, are you facing nomenclature of aldehyde and ketone? So first of all we discussed about aldehyde. What is aldehyde? Those organic compound which contain CHO group as a functional group is called as aldehyde. Okay, the compound which contain functional group as CHO, it means RCHO. So those compound which depend the general structural formula is RCHO is called as aldehyde. Okay, यानी कि एक ऐसे यौगिक जो RCHO संरचना सूत्र को प्रदर्शित करते हैं, यानी RCHO संरचना सूत्र को प्रदर्शित करने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे? एल्डिहाइड कहलाते हैं. या यूँ कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में फंक्शनल ग्रुप के रूप में CHO ग्रुप प्रेजेंस होते हैं, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज एल्डिहाइड. This CHO is represent aldehyde. It is clear that it means the compound containing CHO group, this is called as aldehyde. Okay? अब यहाँ पे देखें जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? इट मीन्स एल्डिहाइड इज डिपेंड ऑन द जनरल फार्मूला CH3H2O. Okay? Where n equal n is the number of carbon, where n is the number of carbon, CnH2nO. ये जो जनरल फार्मूला होते हैं ये किसको फॉलो करते हैं? ये एल्डिहाइड को फॉलो करते हैं. ठीक है, जब भी हम एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण करते हैं तो उस समय एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स का यूज करते हैं. सफिक्स क्या होता है? इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? AL होता है. इतनी सी बात है एल्डिहाइड में. अब एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जो CHO ग्रुप होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी कहीं टर्मिनल एंड पे प्रेजेंस होते हैं, और साथ ही साथ जब भी हम एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण करते हैं तो जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप का जो कार्बन है उसके कार्बन को भी हम काउंटिंग में ले लेते हैं. ठीक है ना? तो अब देखें हमारे पास फार्मूला क्या बनता है. हमारे पास कोई एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हमें IUPAC करना है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? हमारे पास एक फार्मूला है, तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है एल्केन से हम ए हटा देंगे और इसमें क्या ऐड कर देंगे? AL ऐड कर देंगे. जैसे हम AL इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एल्केनल. स्टूडेंट्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज नोटेड दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ IUPAC नामकरण ऑफ एल्डिहाइड, ओके, वी मूव ई फ्रॉम एल्केन एंड ऐड AL एज ए सफिक्स एंड वी फाइंड कंप्लीट एल्केनॉल. यानी कि जब हम एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण करते हैं तो एल्केन से हम ई को हटाते हैं और सफिक्स AL यूज कर देते हैं तो क्या हो जाता है? एल्केनॉल हो जाता है. यही हमारा तरीका है. दैट इज द मेथड ऑफ IUPAC नामकरण ऑफ एल्डिहाइड. ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज गिवन कंपाउंड्स और एसिड, एल्डिहाइड, ईथर एक्सेट्रा? तो इट रिप्रेजेंट CHO ग्रुप रिप्रेजेंट्स व्हाट? आई एम एल्डिहाइड. ठीक है, तो RCHO संरचना सूत्र के जो भी यौगिक हैं
वो क्या कहलाएंगे? एल्डिहाइड कहलाते हैं। एल्डिहाइड की आयुपेशी करने के लिए एल्केन से ई को हटाते हैं और सफिक्स ए एल, सफिक्स क्या ए एल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल्केनर हो जाता है। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जो सबसे सिंपल सदस्य है, ठीक है, एल्डिहाइड का जो सबसे सिंपल सदस्य है वो क्या होता है? एच सी एच ओ। एच सी एच ओ इट इज अ फॉर्मल्डिहाइड। What is the general name of this compound? Formaldehyde. And 40% aqueous solutions of formaldehyde is known as formalin. It is most important point. 40% aqueous solutions of formaldehyde is called as formalin. So, ये aldehyde का सबसे simple member होते हैं, एक कार्बन के aldehyde है. Okay. अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर हमें एल्डिहाइड का आयुपेशी करना है तो निश्चित रूप से सी एच ओ ग्रुप उस कंपाउंड में प्रेजेंस होंगे। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें एक पैरेंट चेन्स बनाने हैं, काउंट करने हैं, उस पैरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन की पैरेंट चेन है। तो हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? हमारी काउंटिंग जहाँ पे सी एच ओ ग्रुप है हम काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं, जबकि सी एच ओ समूह के कार्बन को भी हम काउंटिंग में ले लेते हैं। ठीक है, तो इतनी सी सिंपल सी बात है। अब आगे की जो बात है मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ, लेकिन आपको इतना बात ये ध्यान देना है कि आप रिकॉग्नाइजेशन है क्या, इसकी आइडेंटिफिकेशन है सी एच ओ ग्रुप। सी एच ओ ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कि एल्डिहाइड को। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? सी एन एस टू वन को, इस पर डिपेंड करते हैं। सफिक्स क्या है? ए एल सफिक्स है। बनाने का तरीका क्या है? नाम बनाने का जो तरीका है वो एल्केन से ई हटाना है और सफिक्स ए एल ऐड करना है, वो क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाता है। एंड सी एच सी एच ओ इज अ वेरी सिंपल मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, इट इज जनरली कॉल्ड एज व्हाट? फॉर्मल्डिहाइड। एंड द 40% 40% aqueous solutions of formaldehyde is known as formalin. Now let us come on. There are some example. First, HCHO. First example. Second, CH3. CHO. We can write here. For example, CH3. CH2, CHO. Now, fourth example, CH3, CH, CH2, CHO, and CH3. There are some examples, and each and every example represent CHO group. It means all the given example comes under aldehyde. And what is the IUPAC name of every examples, every compound? Now, look here. Example number first, HCHO. There are a one carbon. And we know very well for first carbon, what the prefix for first carbon? Meth. And for first carbon, What the alkane of first carbon? We know very well, for first carbon, alkane is methane. Okay, एक carbon के लिए alkane क्या होगा? Methane. According to rules of aldehyde, from methane, we remove E from methane and add suffix Al, then what will be? It will be methane. So that is the IUPAC norm, HCHO. That is the IUPAC name of HCHO. What it is? Methanol. Okay? यानी कि HCHO में एक कार्बन है और एक कार्बन का जो एल्केन होता है वो क्या होता है? मेथेन, हमें पता है। अब इस मेथेन में से हमें ई माइनस करना, ई हटाना है और अकॉर्डिंग टू रूल सफिक्स क्या ऐड करना है? ए एल ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? मेथेन। ठीक है, एट द सेम वे नाउ सेकंड एग्जांपल्स आर कम्स अंडर एल्डिहाइड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, 80% इट इज एल्डिहाइड। ओके, सो देयर आर
टू कार्बन फर्स्ट एंड सेकंड, एंड वी नो वेरी वेल फॉर टू कार्बन एल्केन विल बी एथेन। दो कार्बन के लिए एल्केन क्या होता है? एथेन। एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स वी रिमूव टी फ्रॉम एथेन एंड ऐड ए सफिक्स इन एथेन, इट विल बी एथेनॉल। इट विल बी एथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। यहाँ पे दो कार्बन है वन एंड टू, दो कार्बन के लिए एल्केन क्या होगा? एथेन। और रूल के अकॉर्डिंग किस एथेन में से ई को हटाना है और ए एल ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे भी सी एच टू ग्रुप है एज ए फंक्शनल ग्रुप, वी काउंट फ्रॉम देयर वन टू थ्री, देयर आर थ्री कार्बन एंड बाकी कार्बन एल्केन विल बी प्रोपेन अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल। यहाँ पे एक साइड चेयर भी हमको मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम इसका आयोजी करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सी एच ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप एंड एक साइड चेन। ठीक है, ये क्या है? साइड चेन ग्रुप में है, सी एच ओ क्या है? एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट। तो चलिए वन टू थ्री फोर, चार कार्बन की साइड चेन है, चार कार्बन की पैरेंट चेन है। देर आर फोर कार्बन इंक्लूडेड पैरेंट चेन एंड फ्रॉम कार्बन नंबर थ्री साइड चेन इट कंटेन्स वन कार्बन, सो इट इज नोन एज मेथेन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड वी राइट द नेम ऑफ साइड चेन। दिस साइड चेन अराइज फ्रॉम कार्बन नंबर थ्री ऑफ पैरेंट चेन। तो हम क्या करेंगे इसका आईपीसी करने के लिए? हम करते हैं कि जो साइड चेन है, ये साइड चेन किस कार्बन से है? कार्बन नंबर तीन से है। तो इसका स्थान, इसका लोकेट भी हम दे देंगे। तो थ्री, थ्री से क्या अराइज है? एक कार्बन एल्किल ग्रुप है, तो थ्री मेथिल, थ्री मेथिल। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं क्या, अपने पैरेंट चेन की बात करते हैं। तो पैरेंट चेन में कुल कितने कार्बन हैं? देयर आर फोर कार्बन, फोर कार्बन एल्केन विल बी ब्यूटेन। और ब्यूटेन से क्या करना है? ई हटाना है और सब इसके ऐड करना है ए एल। वेरी सिंपल। सो ब्यूटेन, ब्यूटेन ऐसे ई हमने यहाँ से हटा दिया। और ब्यूटेन ए सी एच ओ ग्रुप किस कार्बन पर है? कार्बन एक पे है। ब्यूटेन वन आलो, या ऐसे भी कर सकते हैं जैसे थ्री मिथिल वन ब्यूटेन। ओके स्टूडेंट, तो देर आर सम रूल्स फॉर एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड के लिए कुछ यहाँ पे रूल्स है, करना कुछ भी नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है कि एल्डिहाइड ग्रुप है क्या। तो सी एच ओ ग्रुप जब किसी एल्किल ग्रुप से अटैच होता है तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? ठीक है, जब कोई सी एच ओ ग्रुप एल्किल ग्रुप से अटैच होता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी कैसी होगी? एल्डिहाइड की तरह उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ, इसको आप बता लीजिए। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, उसको ज्यादा ध्यान से देखिएगा। सी एस थ्री, सी एच ओ, सी एच, सी एच ओ वन, देर आर ए एग्जाम्पल एंड दिस कंपाउंड कंटेन टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इट इज एल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड दिस इज एल्डिहाइड। ओके, तो इस कंपाउंड में क्या है? इस कंपाउंड में दो, इस कंपाउंड में दो फंक्शन ग्रुप हैं। तो अगर इस प्रकार के कंपाउंड हमारे पास अगर होते हैं
ओके, तो उसका आयु कृषि हम कैसे करते हैं? देखिए मैंने बताया कि ये सी एच ओ ग्रुप प्रेजेंस है, इसके कार्बन को भी क्या करते हैं हम काउंट में ले लेते हैं। जब काउंट में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ओके ये हो गया। अब यहाँ पे एज ए फंक्शन को एक मानते हैं क्या, एज ए सब्स्टिट्यूएंट को? मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग द फीड ऑफ आई पी सी नॉमिनेचर ऑफ आर ओ एच देर आर टू वे एज ए ओ एच एज ए फंक्शन हो एंड वेन वी एज्यूम ओ एच एज ए सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप ड्यूरिंग द फीड ऑफ वेन ओ एच वी एज्यूम एज ए फंक्शन ग्रुप वी यूज सफिक्स एज ए ओएल एंड ड्यूरिंग द फीड ऑफ आई पी सी नॉमिनेचर ऑफ एल्कोहल वी एज्यूम एज ए सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप एंड एट दैट टाइम वी डू नॉट यूज सफिक्स वी प्रपोज वी गिव डायरेक्टली देयर नेम हाइड्रोक्सी। ओके अब इसका आयु किसी में करना है तो हम क्या करते हैं, तो अब यहाँ पे ये ओ एच ग्रुप एज ए क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसका हम नाम लिख देंगे। ये ओ एच किस कार्बन पर है, तो कार्बन नंबर 2 पे है, तो लिख सकते हैं इसको क्या 2 हाइड्रोक्सी। ओके ये कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे कितने कार्बन है पैरेंट चेन में, तो पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से क्या करना है तो ई हटा देना होता है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन क्या है कार्बन नंबर 1 पे सी एच ओ है ब्यूटेन 1 AL या 2 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनल। ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नाम नॉमेनक्लेचर्स होते हैं। ओके एल्डिहाइड अगर है तो सी एच ओ समूह किसी एल्किल ग्रुप से अटैच होगा। ओके जनरल फार्मूला CnH2O और साथ में के जो सफिक्स होते हैं वो AL। ओके इसको आप कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको ले चलता हूँ कीटो। अगला कीटो, व्हाट इज कीटोन? कीटोन क्या होता है? देखें एसिड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ए ऑक्सीजन एटम आर ज्वाइंट सॉरी इन विच ए CO ग्रुप आर अटैच विद ए टू सेम और डिफरेंट एल्किल ग्रुप कॉल्ड एज कीटोन। कीटोन इट इज द सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच CO कार्बोनिल ग्रुप आर अटैच विद टू सेम और डिफरेंट एल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एज कीटोन। वी कैन राइट एज आर CO आर द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आर CO आर इज कॉल्ड एज कंपाउंड कॉल्ड एज व्हाट कीटोन, ठीक है ना? यानी एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप कीटो ग्रुप दो सेम और डिफरेंट एल्किल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कीटोन कहते हैं। ठीक है कीटोन आर आर फॉलोइंग टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सेम और डिफरेंट नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। ठीक है तो कीटोन में भी टू टाइप एक तो सिंपल कीटोन ऐसे कैन मिक्स्ड कीटोन। व्हाट इज सिंपल कीटोन एंड व्हाट इज मिक्स्ड कीटोन? सिंपल कीटोन इट मीन्स द कीटोन इन द CO ग्रुप आर अटैच्ड विद द टू सेम एल्किल ग्रुप सो इट इज कॉल्ड एज सिंपल कीटोन। यानी कि एक ऐसे कीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप दो समान प्रकार के एल्किल ग्रुप से अटैच होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सिंपल कीटोन। जैसे आर CO आर इट मीन CH3 CO
Seriously. And that is what? That is a simple ketone because of this C group are joined with the two same electron group, such as this CH3 and this. There are two electron group, both are methyl. So it is comes under simple ketone. Okay. And the same way, what do you mean by misketone and SS type of ketone in this CO group are joined together to different alkyl group is called as methyl ketone, such as RCOR-. It means CH3CO CH2CH3. So in this case there are two different alkyl group, and in this case there are two same alkyl group. When CO group are joined with same alkyl group, two same alkyl group is called as simple ketone, and when CO group are attached with two different alkyl group is called as mixed ketone. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर कीटोन है कुछ बातें हैं यहाँ पे, इनकी जो सफिक्स होती हैं, इनका जो सफिक्स है, सफिक्स का यूज क्या होता है यहाँ पे, ओन, ठीक है, फॉर कीटोन वी यूज ओन एज ए सफिक्स, ठीक है, कीटोन के लिए सफिक्स का क्या यूज करते हैं, ओन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह से एल्डिहाइड जिसको फॉलो करता था CnH2nO को फॉलो करता था, उसी प्रकार से कीटोन भी क्या करते हैं, कीटोन भी CnCnH2nO, कीटोन आल्सो फॉलो CnH2nO जनरल फार्मूला। ओके, अब यहाँ पे देखें कीटोन का हमें IUPAC नाम करना है, व्हाट इज द मेथड फॉर IUPAC नामकरण ऑफ कीटोन्स। ओके, during the period of IUPAC nomenclature of ketones, we remove E from alkane and add ON as a suffix. ठीक है, alkane से हमें क्या करना है, हमें करना है alkane से E हटाना है और suffix ON add कर देना होता है, तो क्या हो जाएगा, alkane ON। ठीक है, तो ये तरीका है कीटोन का IUPAC करने का, कि एल्केन से ई हटाएं और सफिक्स क्या जोड़ें, ओन, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्केनोन, एंड दैट इज द मेथड ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर्स ऑफ कीटोन। ओके, तो आप देख सकते हैं सिंपल कीटोन क्या, मिक्स्ड कीटोन क्या, कीटोन का सफिक्स क्या है, ये किसको फॉलो करते हैं, तो इनके बनाने का जो तरीका है, बनाने का तरीका मतलब क्या, कि इनका नाम देना IUPAC नाम देना, तो एल्केन से ई हटा करके सफिक्स ओन ऐड करना होता, तो क्या हो जाएगा, एल्केनोन। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल के साथ, क्या एग्जांपल है कीटोन के, मैं एक बार और लिख लेता हूँ, क्या फॉर्मूला इसका, एल्केन से पी रिमूव होगा और सफिक्स ओन आएंगे और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्केनोन। ठीक है, एल्केनोन। ओके, तो नाउ वी अंडरस्टूड बाय नाउ सम एग्जांपल सच एज CH3 It is the very simple member of ketone. Their general name is acetone. Okay. Now again, CH3, CH2, CO, CH2, CH3. Now for example, CH3, CO, CH2. CH3, okay. Now next, CH3, CO, CH2, CH2, CH, 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 okay.
तो यहाँ पे हम एक ठीक है। अब यहाँ पे देर आर फोर एग्जाम्पल, देर आर फोर एग्जाम्पल ठीक है। अब देखें, एक दो तीन चार एग्जाम्पल्स हैं हमारे साथ, ठीक है। हमें किसका आईपीसी करना है, तो जब भी हम कीटोन में जो कार्बन है यानी CO ग्रुप में जो कार्बन है उसको भी हम काउंटिंग में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने कार्बन, 1, 2, 3 थ्री कार्बन का एल्केन क्या हुआ, थ्री कार्बन का एल्केन क्या होता है, थ्री कार्बन का एल्केन प्रोपेन। ओके, तो प्रोपेन प्रोपेन से हम थ्री हटाएंगे और सब किस क्या करते हैं, ओन क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन प्रोपेनोन। बात हो रहे हो, इसी प्रकार से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की चेन बनी। और मैंने बताया जब भी आप आईपीसी करेंगे तो CO समूह के कार्बन को भी आप काउंटिंग में ले लेते हैं। तो कार्बन नंबर 3 पे CO ग्रुप आ गया है, इसका जो आईपीसी बनेगा पेंटेन। पेंटेन से क्या किया आपने कि ये पेंटेन है, पेंटेन से आपने की हटा दिया, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन पर रोज ये कहता है जैसे कि लेकिन इसका कोई हटाने हमने नहीं डाल यहाँ से। अब ये कीटो ग्रुप इसके 3 पे है तो पेंटेन 3 क्या और इस प्रकार से हम इसका नाम दे देंगे। अब यहाँ पे क्या 1, 2, 3, 4 हमारी काउंटिंग यहाँ से भी यहाँ से जब अगर यहाँ से करते हैं तो ग्रुप के कीटो समूह आएंगे, अब काउंटिंग यहाँ से करते हैं तो 1, 2, 3 ठीक भी आ जाएगा। इसलिए हमें काउंटिंग को मास करना होता है जहाँ से कोई क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप तुरंत ही हमको मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन से हमको ई हटा देना है, कीटो ग्रुप होते हैं ब्यूटेन क्या 2, 4 ठीक है, ब्यूटेन 2, 4 ओके। अब चलिए यहाँ पे की बात करते हैं 1, 2, 3, 4 और क्या 5 हमारे 5 कार्बन की चेन हो गई और 5 कार्बन की चेन के साथ एक OH ग्रुप इस पे कार्बन नंबर 4 पे है तो उसका क्या नाम हो जाएगा 4। अब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में मानते हैं इसे, इसका नाम लिख देंगे क्या हाइड्रोक्सी फोर हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन के एल्केन क्या होगा पेंटेन, पेंटेन को पेंटेन से ही हटाना है और सफिक्स चार्ज जोड़ना है, कीटोन के लिए ओन जोड़ना है तो क्या हो जाएगा पेंटेन किस कार्बन पे है, 2 पे है तो 2, 4 यानी 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2, 4। तो दैट इज द रूल फॉर द एप्लीकेशन फॉर द आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। ओके, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखो इसमें याद क्या करना है, कीटोन में पहचान क्या है, पहचान यही है कि कीटोन में जो CO ग्रुप होते हैं इनके जो कार्बन होते हैं 2 एल्किल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, ठीक है ना। कीटो ग्रुप यानी CO ग्रुप के जो कार्बन हैं, द कार्बन ऑफ CO ग्रुप अटैच टू सेम और डिफरेंट एल्किल ग्रुप इज नोन एज कीटोन। ये पहचान है, जब ये क्लियर हो गया कि 2 एल्किल ग्रुप के साथ अटैच है तो वो कीटोन है, उसके बाद कुछ है नहीं। हमें यूज़ करना है क्या, हमें यूज़ करना है सफिक्स, और सफिक्स में क्या यूज़ करना होता है ONP उन्हें यूज़ करना है, ठीक है। और फिर रूल्स जो फार्मूला बताता है IUPAC एल्केन से ए हटाना है और सफिक्स ओन जोड़ देना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, उसको कॉपी कर लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं, आपको हमने एक साथ यहाँ पे डिस्कस किया एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है। व्हाई डू वी डिस्क्राइब टुगेदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दैट इज द मेन रीजन बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। ओके, बोथ आर फंक्शनल आइसोमर एंड व्हाट डू मीन बाय फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर इट मीन्स when two different compound represent the same molecular formula and showing different functional group, so this type of compound are known as functional isomer and this phenomenon is known as functional isomerism।
ठीक है, तो यहाँ एंटीहाइड एंटीटोन क्या सॉल्व करते हैं, फंक्शनल फंक्शनल भिन्नता होती है, जबकि इनके जो मालिका फार्मूला होते हैं वो सेम होते हैं, और यानी मालिका फार्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहते हैं क्या, क्रियात्मक समवायता कहते हैं, फंक्शनल समवायता कहते हैं, क्रियात्मक समवायता, ठीक है। अब हम कैसे, हम बात कर ले एल्डिहाइड का, दैट इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड दैट इज की एल्डिहाइड मींस RCHO, ठीक है, एल्डिहाइड इट मींस RCHO, एंटीटोन इट मींस RCOR, ठीक है। इन केस ऑफ एल्डिहाइड CHO ग्रुप अटैच विद एनी एल्किल ग्रुप इज नोन एज एल्डिहाइड एंड कीटोन, व्हेन CO ग्रुप व्हेन कीटो ग्रुप अटैच विद टू सेम और डिफरेंट एल्किल ग्रुप इज नोन एज कीटोन। सो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ डिपेंड अपॉन CnH2nO ड्यू टू व्हिच इट रिप्रेजेंट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ड्यू टू व्हिच इट रिप्रेजेंट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बिकॉज ऑफ दिस RCHO एंड दिस RCOR बोथ आर डिपेंड अपॉन द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2nO। ओके, नाउ कीटोन CH3CH3CO CH3, ओके, इट इज एसीटोन, इट कंटेन 3 कार्बन एंड 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड विल बी CH3CH2CHO, द IUPAC नेम इज प्रोपेनल एंड द IUPAC नेम इज प्रोपेनो। ओके, तो देयर आर 3 कार्बन डिराइव्ड एज 1 2 3 C3, देयर आर 3 to 5 and 6 and there are 6 hydrogen and 1 oxygen. And the same in case of acetone, there are 3 carbon atom and 6 hydrogen and 1 oxygen. So C3H6O for this example and C3H6O for this example, both are same. So we can say the molecular formula of aldehyde and ketone both are same but differ in functional group. So it represent, both represent function isomer and their phenomena is known as functional isomerism. It means molecular formula kya ho gaya, molecular formula same hai lekin differ kya hai, differ ye CHO group एल्डिहाइड में जो फंक्शन ग्रुप क्या है CHO और कीटोन में फंक्शन ग्रुप क्या है कीटोन। तो एल्डिहाइड के लिए क्या, एल्डिहाइड में क्या है CHO ग्रुप, कीटोन में क्या है CO, ठीक है, कीटोन में क्या CO, ड्यू टू विच देयर फंक्शन ग्रुप आर डिफर बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, सो दिस फिनोमेनन इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एल्डिहाइड ऑलवेज रिप्रेजेंट फंक्शनल आइसोमर विद कीटोन एंड द सेम वे एल्कोहल ऑल्सो रिप्रेजेंट फंक्शनल आइसोमर विद ईथर। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एल्कोहल ईथर, एल्कोहल और ईथर ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, उसी प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन भी एक दूसरे क्या है, फंक्शनल आइसोमर हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक बात है, आप इसको पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा IUPAC का, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। एसिड में जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मैं टॉपिक दे देता हूँ आपको, RCOOH एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक्स विल बी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव,
तो मोनोकार्बोनिक एसिड में हमें एसिटिक एसिड भी पढ़ना है। हम यही कह सकते हैं मोनोकार्बोनिक एसिड क्या है, डाईकार्बोनिक एसिड क्या है, ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है एंड इट्स डेरिवेटिव, मीन्स जो भी कंपाउंड मोनोकार्बोनिक एसिड से डेरिवेटिव हुए हैं, व्युत्पन्न हुए हैं, आए हैं, वो क्या कहलाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ मोनोकार्बोनिक एसिड। जैसे हम कह सकते हैं क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिड हैलाइड है, एसिड एमाइड है, एस्टर है, दीज आर डेरिवेटिव ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिए कीटोन के या एल्डिहाइड की, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, जो भी एग्जांपल मिले उससे आप करते रहिएगा, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ, नए अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। ओके ओके थैंक्स।